स्टूडेंट, हमने जो कंपाउंड रूल सीखे थे ट्रिग्नोमेट्री में, फिर दोहराते हैं एक बार, क्योंकि सारी ही इसी पर खेल चलेगा। यूँ मान सकते हैं हम कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, ठीक है भाई, टेन ए माइनस बी, एकदम टिप्स पर याद हों ये, कोस के लिए भी ये हमने डिस्कस कर लिया है। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। हाँ, एक प्रॉपर्टी और बच गई थी, जैसे टेन के लिए हमने डिस्कस किया था कि एक्स प्लस वाई बराबर हमेशा होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, ठीक है भाई। माइनस के लिए भी डिस्कस कर लिया, तीन एंगल के लिए भी डिस्कस कर लिया है कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको हमने लिखा था भाई टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड माइनस प्रोडक्ट इन तीनों की, टेन एक्स इंटू टेन वाई इंटू टेन जेड अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई माइनस टेन वाई इंटू टेन जेड माइनस टेन जेड इंटू टेन ए टेन एक्स, ठीक है भाई। इसी प्रकार से ये जो रूल है, कोट में यदि हम लिखना चाहें, जैसे टेन रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल का मतलब वन अपॉन दोनों साइड पलट ली जैसे, या कोट में परिवर्तित कर लो, जहाँ जहाँ टेन है वहाँ वन अपॉन, जैसे यहाँ लिख लिया वन अपॉन कोट एक्स प्लस वाई, ठीक है ना भाई, राइट हैंड साइड में वन अपॉन कोट एक्स, वन अपॉन कोट वाई, वन माइनस वन अपॉन कोट एक्स, वन अपॉन कोट वाई, एलसीएम लेकर के सोल्व कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड तो लिख लिया जैसा है वो, और राइट हैंड साइड में यहाँ जैसे आया कोट एक्स कोट वाई, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, एलसीएम सी एलसीएम नीचे वाला कट जाएगा, यहाँ कोट एक्स इंटू कोट वाई और माइनस वन, इसका उल्टा कर दिया जाए तो ये फार्मूला भी याद हो, अच्छी बात भाई, कोट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोट एक्स इंटू कोट वाई माइनस वन अपॉन कोट एक्स प्लस कोट वाई, ठीक है। तो ये जो दो रूल हमने डिस्कस किए हैं, इसके ऊपर एक जैसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास जैसे एक ये हमेशा एक मैथमेटिक्स में एक रूल भी है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद भी रखिए। जैसे कोई नंबर लिख लिया मैंने ए, एक दूसरा नंबर लिखा, दोनों की गुणा भी दे रखी है, इतना यदि कहीं लिखा मिल जाए तो हमने उसमें एक जोड़ लेना है या जुड़ा हुआ दिख जाए, तो इसके फैक्टर हमेशा वन प्लस ए वन प्लस बी आते हैं, ठीक है ना। कोई इक्वेशन जैसे मान लिया बराबर समथिंग दे दिया जाए या इतना दे दिया जाए और बराबर है, मान लिया पाँच है, तो कुछ ए और बी के बीच, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन ढूंढना हो तो हम एक यहाँ जोड़ लेंगे एक इधर जोड़ लेंगे, तो फिर फैक्टराइजेशन किया, जैसे ये लिख लिया, एक होता है वन माइनस ए, ये प्लस ए बी आएगा, तो उसमें आएगा वन माइनस ए वन माइनस बी, ठीक है ना। ये टर्म थोड़ी याद भी रख, याद ही रखनी है भाई, कोई भी ए बी हैं हमेशा फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे मान लिया मैं लेफ्ट इक्वेशन बना रहे हैं, जैसे इस सूत्र पर इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी भाई, काफ़ी बार इधर उधर एग्जाम में आया हुआ देखा गया, मैंने कह दिया कि भी चलो एक्स प्लस वाई को 45 डिग्री ले लें, तो ये एक हो गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड जैसा है वो लिख लिया, जैसे भी टेन एक्स टेन वाई, शर्त क्या है कि भी एक्स और वाई का जोड़ 45 है, तो वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, इसी रूल को मैंने इस साइड में एक्स प्लस वाई 45 बोल दिया, वो टेन 45 एक होता है। अब मैंने जैसे आर पार गुणा की, तो वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई और बराबर है टेन एक्स प्लस टेन वाई। अब इस एक सारे को या टेन एक्स इधर ले जाओ सबको, तो यहाँ से हमें मिला टेन एक्स प्लस टेन वाई
और प्लस में दोनों की गुणा यानी टेन एक्स इंटू टेन वाई और ये बराबर एक मिला। तो यहाँ देखो इस फॉर्म में कि टेन एक्स कोई रियल नंबर है, कोई रियल नंबर जानते हैं हम, टेन एक्स कुछ भी हो सकता है, टेन वाई भी कोई रियल नंबर है, ठीक है भाई, और उन दोनों की गुणा भी यहाँ लिख दी, ए और बी चाहे कोई भी, तो हमें तीन टर्म इस तरह से दिख जाएं। तो यदि उसमें एक और आ जाए हमारे पास, जैसे एक दोनों साइड में जोड़ देते हैं, तो यहाँ हमें सीधा कह देंगे भाई वन प्लस टेन एक्स और वन प्लस टेन वाई ये हमेशा दो के बराबर होता, हमेशा हमेशा तो नहीं होता है, कब होता है, जब x प्लस वाई 45 डिग्री के बराबर हो, क्योंकि ऊपर हमें कंडीशन लेके चले हैं ये। तो इसी प्रकार से इस पर आधारित हमने एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे 1 प्लस टेन 1 डिग्री इंटू में 1 प्लस टेन 2 डिग्री इंटू में 1 प्लस टेन 3 डिग्री इंटू में चलते गए और लास्ट में लिख दिया 1 प्लस टेन 45 डिग्री, और कहा कि भी इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करके दिखाओ। तो हमने वो टर्म जो है इस प्रकार से कलब की कि भी 1 प्लस टेन जैसे यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, तो यहाँ एक्स की जगह एक लिख लिया, तो वाई की जगह मैं 44 डिग्री रखूँ तभी ये दो के बराबर आएगा, इन दोनों कोणों का जोड़ 45 हो तभी ये दो के बराबर आएगा। तो यहाँ जैसे 1 प्लस टेन 1 डिग्री और इससे पिछली जो टर्म है मल्टीप्लाई में जो है वो 1 प्लस टेन 44 डिग्री है, ये एक की वृद्धि करते हुए गए हम, तो ये क्लब कर लिए एक ब्रैकेट में डाल दी इस प्रकार से। तो एक और 44 जो है वो दो आंसर देगा, ठीक है ना भाई। तो दो से फिर आगे चलते गए, फिर लास्ट में जा करके हमारे पास जैसे 23 और 22 है, क्योंकि जोड़ 45 देख लो, ठीक है ना भाई, 22 23 बढ़ते हुए चल रही हैं, फिर 24 24 जो बचेगा वो किसके साथ क्लब करें ताकि एंगल, तो 24 तो 21 के साथ हो गया होगा क्योंकि 45 ही तो चाहिए, तो 24 और 21 तो आ गए। 22 और 23 का मतलब है कि भी जैसे सारी टर्म हमारी 45 ही, एक से लेके 45 मतलब 45 से फैक्टर हैं जैसे यहाँ, तो 45 का जैसे आधा करें तो 22 और 23 ही तो दो मिडिल टर्म आ रही हैं, 22 से पहले 21 इधर बच जाएंगी, 23 के बाद 21 इधर बच गई। और देखो एक बार इसकी वैल्यू तो जानते ही हम, टेन 45 तो वास्तव में दो है ही, ठीक है ना भाई, यहाँ तो सीधा सा है। तो हमारा काम ये है कि भाई एक और जो टेन एक और टेन 44 तक का हमने जोड़े बनाए, तो कह देंगे भाई 22 जोड़े हो गए, एक 44 हो गया, दो को एक लिख लिया, दो और 43 हो गया, 3 और 42 हो गया, तो इस प्रकार से वो दो 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 के 24 हो गए ना, कितने हुए भाई 22 हो गए। तो हर जो पेयर है वो दो आंसर देगा, तो दो के ऊपर पावर 22 आ गई और एक दो यहाँ से भी है, तो 2^23 आंसर दे देगा वो, तो काफ़ी अकरिंग है ये क्वेश्चन है इस प्रकार का कोई भी, तो इनमें ध्यान रखने की यही बात है कि टेन में इस प्रकार से यदि दिखाया गया हो तो हम इस रूल को लेकर के जैसे ये फैक्टराइज करके बराबर दो है, तो याद भी रखना है ये कि भी 1 प्लस टेन एक्स, नहीं तो गुणा करके देख लो इस प्रकार की फॉर्म यदि आती दिखाई दे तो वहाँ से हिसाब लगा सकते हैं हम। तो 1 प्लस टेन एक्स और 1 प्लस टेन वाई हमेशा दो के बराबर होता है। इसी प्रकार से इस फॉर्म में देखिए एक बार, जैसे मैं कोट के लिए जैसे कोट का ये फार्मूला लिखा, यहाँ भी मान लिया मैंने 45 डिग्री ले लिया दो एंगल का जोड़, तो कोट भी 45 एक होता है और मैं आर पार मल्टीप्लाई करूँ तो कोट एक्स प्लस कोट वाई और इज इक्वल टू कोट एक्स इंटू कोट वाई और माइनस वन, ठीक है ना भाई। तो इसको इधर ले जाओ सारे को, तो क्या हमारा उसी प्रकार की कंडीशन दिखाई दी, ठीक है ना भाई। यहाँ एक बार थोड़ा सा इस माइनस में देखते हैं,
ये ठीक है ना भाई, यहाँ यदि हमारे पास ये सूत्र लिखा था हमने और ये भी x प्लस वाई वन हो जाए, तो इसको इधर ले गए हम या सारे को इधर ले आओ जो भी है, तो यहाँ थोड़ी सी उस सिन में हमने जो ये नंबर लिखा था कि भी इसके जैसे फैक्टर करे तो वन माइनस है, तो ये एज इट इज माइनस, यदि मैंने कॉमन ले लिया तो ठीक है वन माइनस है ही हुआ, तो यही फॉर्म ही है इसी प्रकार की फॉर्म। तो दो नंबर की मल्टीप्लाई जैसे पॉजिटिव दिखाई दे तो चलो इधर ले जाते हैं, ठीक है अभी एक को इधर ले आओ, ठीक ठीक है ना भाई, एक एक की मल्टीप्लाई तो प्लस एक ही आनी चाहिए, चलो जो भी है उससे एडजस्ट हो रही है वो चीज़। तो जैसे हम इधर भी जैसे मान लिया इसको इधर ले आओ, तो कोट एक्स प्लस कोट वाई माइनस कोट एक्स कोट वाई, ठीक है ना भाई, और प्लस वन, तो ठीक है यही तो लिखा है, यही तो एक्सप्रेशन है अपना यहाँ जो लिखा था, बस ये भी माइनस में हो तो ठीक है, जो भी इस प्रकार की यदि घटना घटती है और ये बराबर जीरो, तो हम क्या करते हैं कि बराबर एक ले लेते हैं इसको भी। देखो इसमें भी क्या है हमारा जो उसकी उसकी तरह बना लेंगे, एक बार यहाँ से कुछ आ रहा है हमारा और हमने किया कि भाई कोट एक्स और ये माइनस वन बराबर जीरो लिख लिया, ठीक है इसको हम इधर ले गए बराबर जीरो, तो चलो वन को तो इधर ही छोड़ लेते हैं, ठीक है ना भाई, कोट एक्स से और कोट वाई को एडजस्टमेंट थोड़ी गलत कर दी भाई, ये देखो इधर ले जा रहे हो, नहीं कोट एक्स कोट वाई को इधर ले आए तो परली साइड में तो माइनस वन ही रहा, तो माइनस से भाग दे देते हैं इसको भाई। राइट हैंड साइड में हम इसी प्रकार से जैसे एक ही हम क्वेश्चन बना, जैसे ये बराबर है वन दिखाई दे, तो हमारे पास यहाँ क्या फिर देखते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इस प्रकार की है, तो नॉर्मल है इधर उधर ले आ करके राइट हैंड साइड में एक लिख लिया, तो फिर कहेंगे भी एक और जोड़ते हैं, बिल्कुल यही फॉर्म बनाएंगे हम, तो एक जोड़ने का मतलब वन माइनस कोट ए कोट एक्स यानी, और माइनस कोट वाई और प्लस कोट एक्स कोट वाई और बराबर है दो, ठीक है ना। इसके यदि मैं फैक्टर करूँ तो वन माइनस कोट एक्स और इन टू में वन माइनस कोट वाई, जो बात बताई गई थी वही है ये, जैसे यहाँ तो अब इसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हमेशा, लेकिन ऊपर कंडीशन ध्यान रहे कि दोनों एंगल का जोड़ हमारा 45 डिग्री है भाई, पाई बाई फोर है, तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ भी उसी प्रकार का एक क्वेश्चन, बिल्कुल कितना भी वन माइनस कोट वन डिग्री, ठीक है ना भाई, और इन टू में वन माइनस कोट 45 डिग्री ये पूछ लिया जाए तो हम कहेंगे भी ये तो दो के बराबर ही आएगा। तो काफ़ी अक्रिंग क्वेश्चन है ये, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं भाई, किताब में दिखेंगे हमारी, तो एक तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे हमने एडिशन रूल लगा करके दो प्रॉपर्टी लगा लो या दो सवाल सरल कर लिए हैं। एक जैसे ये फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ देखो एक बार टेन एक्स माइनस टेन वाई का है कि भी इसको कुछ सिंप्लीफाई करके दिखाओ, सिंप्लीफाई का मतलब है कि भी इसको साइन कोस में तोड़ करके इकट्ठा सा करो, जैसे एलसीएम वगैरह लेकर के, तो हमने साइन कोस में इसको बदल लिया, तो यानी साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और माइनस साइन वाई अपॉन कोस वाई, फिर एलसीएम लिया तो कोस एक्स इंटू कोस वाई, और यहाँ जैसे सिंप्लीफाई होकर के इस तरह से दिखाई दिया ये कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स। तो ऊपर यदि हम ध्यान से देखें तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये तो साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ द एंगल है, यानी साइन एक्स माइनस वाई और अपॉन कोस एक्स इंटू कोस वाई, तो ये इसके बराबर है, ये भी याद कर लो भाई, ठीक है ना भाई। अब जैसे जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा मैंने कि भाई तीन एंगल हैं कोई एक्स वाई जेड और इस प्रकार से या ए बी सी में ले लो, तो मैंने इस प्रकार से लिखना शुरू किया कि साइन एक्स माइनस वाई अपॉन कोस एक्स इंटू कोस वाई, फिर प्लस, यानी कि एक सिमेट्री बनाई मैंने भाई, साइन वाई माइनस जेड
यानी पहला दूसरा तीसरा, पहले में से दूसरा घटाया एक्स दूसरा वाई है, दूसरे में से तीसरा घटा करके कोस के लिए और वही एंगल डाल दी, यानी कि वाई और कोस जेड, कोस जेड फिर प्लस साइन जेड माइनस एक्स लिया और बटे में कोस वाई इंटू कोस जेड इंटू कोस एक्स, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, कह दिया कि इसको सिंप्लीफाई करिए, तो तुरंत जैसे इस प्रकार की जैसे ये टर्म दिखाई दी जैसे हमने किया कि भी इसको हम घटा के रूप में दो टर्म के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हम भाई एक तो रूल ये ही है यदि ये ध्यान ना रहे तो इसको खोल लो, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाया और फिर डिवाइड कर दो अलग अलग, जैसे यहीं देख लो भाई यहाँ इससे पीछे वाला हमारा स्टेप क्या था कि भाई ऊपर खुला हुआ है, यहाँ भी वही बात है कि भाई यहाँ से इस स्टेप पर आ गए, जैसे इस सवाल को इस लेकर के चलते हैं इस टर्म को और फिर अलग अलग डिवाइड कर दिया, इसके बटे में ये डाल दिया, इसके बटे में ये डाल दिया, एलशियम लेकर के जो बिखेरता हुआ पाया जाता उसी में यही तो बात होती है, इसके बटे में ये डालोगे तो कोस वाई से कोस वाई कट गया ये बच जाएगा और फिर इसके लिए ऊपर अलग अलग टेन टेन के लिए लिख लिया, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये टेन एक्स माइनस टेन वाई है, याद भी हो जाए भाई, अच्छी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और यहाँ सिमेट्री से क्या आ जाएगा टेन वाई माइनस टेन जेड और प्लस यहाँ से आ जाएगा टेन जेड माइनस टेन एक्स और सारे कट गए ये, तो ये बराबर ज़ीरो। तो ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से तीनों का तीनों इस प्रकार से दे दे या अकेला ये दे दे इस तरह से दे दे कि भाई प्रूव करके दिखाओ टेन एक्स माइनस टेन वाई जो है वो बराबर है इसके, तो ये तो सीधा सा ही है भी लेफ्ट हैंड साइड साइन कोस में बदल के और एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ऊपर तुम्हारा फार्मूला दिखाई देगा। इसी प्रकार से कोट में भी है, जैसे कोट एक्स, कोट एक्स में से यदि कोट एक्स घटा दिया कोट वाई घटाऊं तो ये क्या हो जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स और माइनस कोस वाई अपॉन साइन वाई, फिर एलसीएम लिया तो नीचे साइन और साइन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ जब ये मल्टीप्लाई करेगा और इधर भी मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, जैसे यहाँ साइन वाई इंटू कोस एक्स, ठीक है ना, और माइनस में यहाँ कोस वाई और इंटू साइन एक्स, तो यहाँ जब फार्मूला हम अप्लाई करते हैं कि माइनस में थोड़ा ध्यान में रखना होता है अभी कौन सा बड़ा है। अब जैसे मान लिया ये पॉजिटिव कोई नंबर आना है, भाई ऊपरी भाग क्या है कि बीच में माइनस है, तो इसमें ये बड़ा है या ये बड़ा है तो वो मैटर करता है, यदि प्लस है तो उसमें कौन सा आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। तो माइनस के लिए है तो ये वाई वाला है तो इस जैसे ये फार्मूला फिर डिस्कस करें, साइन ए माइनस बी बराबर ये ए है ये बी है तो साइन ए पहले लिखते हैं और फिर बाद में कोस बी लिखा जाता है, ये लेस ही है अपने भाई कोस ए साइन बी। तो यहाँ जैसे मान लिया इस प्रकार से लिखा हो जैसे ये है तो साइन वाली टर्म ढूंढनी है साइन ए, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन वाई माइनस एक्स, क्योंकि साइन वाई माइनस एक्स हमेशा बराबर नहीं होता साइन एक्स माइनस वाई के, तो इसलिए माइनस वाले के लिए ध्यान भी रखिए भाई। तो यहाँ क्या आ गया हमारा साइन वाई माइनस एक्स जैसे इसमें और अपॉन साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है ना भाई। तो नीचे साइन साइन है इसमें कोस कोस था तो कोस कोस बटे में आता है तो टेन की बात याद आ जाए, ठीक है ना भाई। और यदि अब जैसे भाई ग्राफिकली यदि देखना चाहो छोड़ो उन बातों को भी चलो ये भी सिद्ध करना हमारा आ सकता है, तो दो ये थोड़े से ये भी इम्पोर्टेंट रूल हैं खासकर ये इम्पोर्टेंट ही है अभी टेन एक्स माइनस टेन वाई, तो ये तो याद ही रहे इसके बराबर होता है। एक देखिए मान लिया दो एंगल का जोड़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मान लिया पाई बाई फोर है,
तो एक टर्म है हमारी कि भी जैसे टेन एक्स जो है वो बराबर है एन अपॉन एन प्लस वन, और एक लिख दिया जैसे दूसरा एंगल टेन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन टू एन प्लस वन। ठीक है भाई, तो सिद्ध करना होता है हमने कि भी टेन एक्स प्लस वाई, जैसे ये भी ना दिया गया हो, यदि इतनी चीजें ये दे दे तो फिर कहेगा कि भाई प्रूव दैट, ये प्रूव करवाए कि प्रूव दैट एक्स प्लस वाई जो है वो पाई बाई फोर के बराबर ही होगा। हम जनरलाइजेशन मतलब ये एक थ्योरम टाइप सा है, पर्टिकुलरली भी हम समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमें सीधा दिखते हैं और फिर बाद में कैलकुलेट करके सिद्ध तो कर सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर है पाई बाई फोर दिखाई दिया, इसका मतलब क्या है कि भाई हमेशा दो कोण कोई भी ले लो और उनका जोड़ पाई बाई फोर आए, तो इसका मतलब ये है हमेशा ट्रू बोल दी इसने ये बात। तो हम टेन लगा लेते हैं दोनों साइड में, साइन लगा सकते हैं, तो टेन टेन में कुछ दिखाई दे रहा है तो हम दोनों साइड में टेन लगाया, तो इधर तो टेन पाई बाई फोर वन हो गया। ठीक है भाई, तो इसको खोल लेते हैं एक बार, या प्रूव करना है तो हम कंसीडर भी कर सकते हैं कि भी चलो टेन एक्स प्लस वाई के लिए चलते हैं क्या आता है। तो यदि मैंने इसको एक बराबर सिद्ध कर दिया तो फिर तो कह देंगे भाई टेन यदि दोनों साइड में लगाया है तो ये तो वन आ जाना चाहिए। तो इसको खोल लिया हमने कि भाई टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो डालते हैं, एन अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई वन माइनस इनकी प्रोडक्ट एन अपॉन एन प्लस वन वन अपॉन टू एन प्लस वन। इसको सिंपलीफाई करते हैं एलसीएम लेकर के, तो ऊपर का एलसीएम लिया, नीचे का एलसीएम लेंगे कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई एन के साथ करी यानी टू एन स्क्वेयर प्लस एन, ये एक के साथ मल्टीप्लाई यानी कि एन प्लस वन डिवाइडेड बाई इन दोनों की प्रोडक्ट एक के साथ गुणा करते हैं तो टू एन स्क्वेयर, टू एन और एन की मल्टीप्लाई, टू एन एक के साथ करेगा एन इसके साथ करेगा तो प्लस थ्री एन, एक एक की मल्टीप्लाई यानी एक और माइनस में ये एन, इन दोनों की प्रोडक्ट एलसीएम द्वारा यहाँ चलेगा और माइनस एन। तो यहाँ देखिए ऊपर से टू एन स्क्वेयर, नीचे टू एन स्क्वेयर दिखाई दिया, एन प्लस एन टू एन, नीचे देखो थ्री एन माइनस एन यानी टू एन प्लस वन, ये कैंसिल हो लिया तो एक के बराबर ही तो आया। तो ये हमेशा ट्रू है, जैसे कोई क्वेश्चन दे दे कि भी टेन एक्स बराबर है सौ बटे में एक सौ एक, भाई नीचे वाला एक फालतू दिखाई दे, ठीक है, और टेन जो बी है दूसरा कोई एंगल ले लिया उसकी वैल्यू दे दी कि भी सौ सौ में दो से मल्टीप्लाई करो यानी दो सौ एक और जोड़ दो यानी दो सौ एक, इस प्रकार की कहीं मान लिया बनावट दिखाई दे, तो यहाँ ए प्लस बी पाई बाई फोर ही है, ठीक है ना। तो ये बनावट भी तो छोटी छोटी, जैसे टेन जैसे मैं एक एक ले लूँ एन बराबर एक तो वन बाई थ्री टेन ए बराबर है, और टेन जो बी है वो बराबर है वन बाई टू, ठीक है। तो ये ए और बी क्या है, एंगल हैं और इनका जोड़ पैंतालीस डिग्री है, जैसे ये वन बाई टू नहीं भाई, यदि एन बराबर एक इसमें एन बराबर एक रखा, हाँ ठीक है, इसमें एन बराबर एक रखें तो ये एक बटा दो दिया और उसमें एन बराबर एक तो ये ठीक है एक बटा दो और एक बटा तीन, ठीक है ना। तो ए और बी का जोड़ हमारा पाई बाई फोर होगा। तो एक ये बनावट भी इसी प्रकार से, यदि मैं माइनस की प्लस की जगह माइनस यूज कर लूं, जैसे टेन एक्स एन अपॉन एन माइनस वन, और टेन जैसे वाई दूसरा एंगल लिया वन अपॉन टू एन माइनस वन, इसमें सिद्ध होकर के आएगा कि भी एक्स माइनस वाई जैसे प्रूव करना हो पाई बाई फोर आएगा, ठीक है ना। एक्स का मतलब है ये एंगल बड़ा दिखाई देगा, यो एंगल हमारा छोटा दिखाई देगा,
तो जैसे हम x माइनस वाई देखते ही हम कंसीडर कर सकते हैं कि भाई टेन x माइनस वाई का सूत्र खोलते हैं और फिर ये वैल्यू डाल के देखते हैं, तो ये आया टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ठीक है भाई, तो टेन एक्स कितना दिया है, n अपॉन, ठीक है भाई, n अपॉन n माइनस वन माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन अपॉन वन प्लस n अपॉन n माइनस वन इंटू वन अपॉन टू एन माइनस वन। तो फिर एक बार एलसीएम लेके सोल्व कर लो, तो टू एन स्क्वायर की टर्म तो आई है, ठीक है भाई, माइनस वन भी है, n माइनस वन की माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एन प्लस वन आया। एलसीएम नीचे वाले को काटेगा, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करके एक के साथ मल्टीप्लाई भी करते हुए लिख लिया तो टू एन स्क्वायर, ठीक है ना भाई, वन वन की मल्टीप्लाई प्लस वन आएगी, तो n देख लो कितना आया, टू एन एक के साथ करेगा और n इसके साथ भी करेगा, तो ये तो माइनस थ्री एन हो गया, ठीक है भाई, और एक n ये जुड़ेगा इसमें, ठीक है ना, ये प्लस n, तो क्या ऊपर थोड़ा सा भाई n से जब मल्टीप्लाई हुई तो ये n है, तो क्या ये कट गए, बिल्कुल भाई, क्योंकि मैंने टेन एक्स माइनस, तो कटने का मतलब है कि भी एक उत्तर दे दिया इसने, तो पाई बाई फोर भी है, तो काफ़ी दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये भी याद रखने के लिए। जैसे टेन कहीं भी मान लिया ऊपर आठ दिखाई दे नीचे सात दिखाई दे, और अगले वाले के लिए क्या लिख दे, वन अपॉन जो ऊपर लिखा गया उसका डबल करके एक घटाते हुए लिख दे, यानी कि ये, तो इन दोनों के कोणों का डिफरेंस थोड़ा याद करने के लिए भी कि भाई टेन ए ये कोई एंगल है और उसने कह दिया कि भाई एट बाई सेवन है, तो इसका मतलब है कि भाई एक से तो बड़ा है ये, तो टेन ए की वैल्यू जब एक से बड़ी होती है तो 45 से बड़ा कोण तो होएगा वो, क्योंकि टेन 45 एक होता है, क्योंकि टेन के ग्राफ में जब बात करोगे तो टेन बढ़ता दिखाई देता है, ठीक है ना, तो या फिर सीधा सा भी याद ही रख लो कि भाई टेन जैसे 60 के लिए रूट थ्री वैल्यू होती है तो एक पॉइंट समथिंग, यहाँ भी एक पॉइंट समथिंग ही है तो ये 45 से बड़ा ही, ये जो नंबर आया ये टेन के लिए जो एंगल आएगा वो 45 से बड़ा है, और यो जो एक नंबर है एक बटे पंद्रह, ठीक है ना भाई, जो एक बटे पंद्रह के लिए दूसरा एंगल है ये छोटा सा एंगल है कोई, देखो ग्राफ के द्वारा, ग्राफ जितने तैयार होंगे उतनी बढ़िया बात भाई, पॉजिटिव नंबर हैं तो टेन जो है या तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो हम पहले क्वाड्रेंट में ही देख लेते हैं कि जीरो से पाई बाई टू चल के देखते हैं, तो टेन का ग्राफ ये गया, ठीक है भाई, हमने दो एंगल देखने ए और बी एंगल यहाँ हैं और ऊंचाइयाँ, तो एक ऊंचाई तो एक बटे पंद्रह आई, कोई ऐसा एक एंगल होगा जिसने एक बटे पंद्रह का मतलब होता है काफ़ी जीरो के नज़दीक से ही नंबर है, एक बटे एक का पंद्रहवा हिस्सा, तो एक बटे पंद्रह मान लिया ये ऊंचाई है, तो ये बी एंगल है कोई, पता नहीं कितना है भाई, और ये जो ऊंचाई है ये हमारी है आठ बटे सात, तो आठ बटे सात का मतलब है जब हम 45 रखते हैं जब ये वैल्यू एक देता है, यहाँ आठ की बजाय यदि सात होता तो सात बटे सात का मतलब एक, तो कह देते कि ये तो 45 डिग्री है, तो यदि उससे बड़ा है तो ज्यों एक्स आगे जाएगा तो वाई बढ़ रही है, इसी को इंक्रीजिंग बोला था मैंने भाई, तो यहाँ से कोई एंगल है वो 45 से बड़ा और ए उसकी ऊंचाई 8 बटे 7 होगी, कंसीडरेशन है हमारा भाई, तो अब इस एंगल में से ये जो एंगल लिखा कोई था उसमें से यो एंगल घटेगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 45 आएगा, तो ये जो रूल है इस रूल के लिए हमेशा सत्य है, चाहे n की वैल्यू इंटीजर के रूप में कुछ भी भर लो या बिना इंटीजर भर लो, क्योंकि हमने यहाँ सिंपलीफाई करके ये बात दिखाई है कि इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमारा जो कैलकुलेशन है वो आनी तो एक ही है, तो टेन ऑफ सम एंगल्स बराबर एक आया,
तो वो एंगल जो है वो जो एक्स माइनस वाई है, क्योंकि फार्मूले के तहत हमने एक्स माइनस वाई, तो ये भी एक नोट करने वाली बात है कि भी टेन एक्स बराबर है एन अपॉन एन माइनस वन, बीच में भी प्लस का साइन है तो दोनों एंगल का जोड़ 45 आएगा, पक्की बात है, ठीक है ना। तो इस पर आधारित भी कुछ भी मान लिया 111 की कंडीशन दे दे, जैसे इस प्रकार की फॉर्म बनाना शुरू कर दे कि भी यहाँ मतलब क्या है कि भी ऐसा यदि दिया है तो ऐसा हमें मिलेगा x माइनस वाई, तो वो तो इनवर्स में बनेगा, वो छोड़ो एक बार। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जो थ्योरम टाइप ही माने जाए, ये हमारी बुक में मिथ दिखाई देंगे कि भाई ये इसके बराबर है तो सिद्ध करके दिखाओ ये है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक क्वेश्चन थे, और ले लो एक दो क्वेश्चन, जैसे बनावट हमारी जो क्वेश्चन की है, जैसे ये है, ये काफ़ी काफ़ी प्रचलित है, ये भी मान लिया 11 डिग्री लिख दिया, यहाँ साइन 11 डिग्री लिख दिया, बटे में दोनों का डिफरेंस लिख दिया, ठीक है, कहे कि भी इसकी वैल्यू बताओ कितना, यानी इसको थोड़ा सा इकट्ठा सा करके दिखा दो। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम एक फार्मूला जैसे याद करने के लिए बोला था कि भाई जैसे x प्लस वाई है, वैसे ये तो याद है ही, तो इसको लिखते हैं टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। यदि मैं x की जगह 45 डिग्री रख दूं तो यहाँ भी टेन एक्स 45 रखा जाएगा, x की जगह 45, तो टेन 45 एक है और यहाँ टेन एक्स टेन 45 ये भी एक है, तो ये जो बनावट है ये भी काफ़ी, जैसे 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन वाई, ये इसके बराबर है, ठीक है भाई। यदि मैं इसको साइन कोस में तोड़ करके कुछ लिख लूँ, जैसे साइन बटे कोस एलसीएम लिया तो यहाँ चला गया कोस वाई और यहाँ लिख दिया साइन वाई, और बटे में यहाँ फिर वही साइन बटे कोस है, कोस यहाँ, तो कोस वाई माइनस साइन वाई। तो ये जो बनावट आई है कहाँ से बन के आई है, यहाँ से आई, ये और ये एक ही बातें हैं दोनों, तो यहाँ भी तो एक वाई की जगह इसने 11 लिख दिया, तो 11 लिख दिया तो हुआ क्या होगा, तो होने का मतलब ये है कि भाई हम इस तक पहुँच सकते हैं आराम से, बस कोस कोस साइन कोस ऊपर है नीचे भी कोस वही सेम एंगल के लिए, तो हम क्या करेंगे कोस 11 से भाग दे दो ऊपर नीचे, तो कोस 11 से जब भाग दे दिया तो यहाँ आया एक, कोस 11 से भाग दिया, यहाँ कोस 11 से भाग दोगे तो ये टेन 11 आ गया और नीचे आ गया 1 माइनस टेन 11, ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार की बातें आ गई है, तो 1 प्लस टेन हो कोई एंगल एक्स, कोई एक्स यहाँ भी एक्स या वाई वाई, तो तुरंत इसका सूत्र याद हो जाना चाहिए कि भाई टेन 45 प्लस 11 है ये, तो यानी कि टेन 56 के बराबर है, ठीक है ना। तो टेन 56 को हम इस प्रकार से तोड़ के भी लिख सकते हैं यूँ, या माइनस ऊपर दे दे यूँ और नीचे प्लस आ जाए, तो ऊपर जब यदि माइनस है तो टेन वाले फार्मूले में माइनस यदि आ जाता है तो टेन एक्स माइनस वाई वाले रूल में आएगा ये, तो इसमें भी वही मैं कोस 11 से डिवाइड कर दूं तो 1 माइनस टेन 11 और अपॉन में 1 प्लस टेन 11, तो ये किसके बराबर है, ये टेन 45 माइनस एक्स के बराबर है, एक्स का मतलब यहाँ 11, तो 45 में से 11 कम कर दें तो ये टेन 36 के बराबर आ गया। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन दिखेंगे एक्सरसाइज में अपने इस टाइप में, ठीक है ना। कोस साइन ऊपर जोड़ जाए या घट जाए, सिमेट्री दिखाई देगी, साइन साइन कंपोनेंट और डिविडेंडो बोलते हैं उस टाइप से भी बोल दें, ठीक है ना। तो ये भी एक जो साइन कोस को इकट्ठा करने का सूत्र हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इससे फालतू जैसे दो फार्मूले और बताए थे कि भाई साइन स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर वाई ये बराबर होता है साइन एक्स, मतलब एक तो जो हमारा एलजेब्रा में जो एंगल है उसके द्वारा तो ट्रू है ही हमेशा, मतलब दो प्रकार से लिख सकते हैं इसको,
एक तो ए की दो माइनस बी की दो के लिए हम इसको ऐसे लिख देंगे साइन एक्स माइनस साइन वाई, और इन टू में साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये भी चलेगा, सही है। एक और फार्मूला क्या था हमारा कि भाई साइन एक्स प्लस वाई इस प्रकार से और माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये लिखा था हमारा, नहीं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में भाई साइन एक्स प्लस वाई इन टू साइन एक्स माइनस वाई इसके बराबर है, ठीक है ना। तो इसके जैसे जैसे यही सूत्र खोल करके या फिर इसको हमने खोल करके ये बना लिया था, तो ये भी याद हो, जैसे कहीं भी मान लिया कोई क्वेश्चन इस तरह की बनावट दे दे, वो जनरली कोई क्वेश्चन दे दे कि जैसे यहाँ मान लिया साइन स्केयर एक्स लिख दिया, फिर यहाँ माइनस में ये दोनों टर्म डाल दी साइन एक्स प्लस वाई इन टू साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, और एक टर्म जो है वो माइनस में साइन स्केयर वाई या प्लस, जैसे माइनस में ये प्लस क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और बाद में साइन स्केयर डाल दिया, या वन माइनस लिख दे, ठीक है ना भाई, वन प्लस को स्केयर लिख दिया को स्केयर वाई, और कहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। तो जब भी हमें इस प्रकार की बात दिखाई दे कि साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई और बाकी टर्म हैं वो स्केयर वगैरह में हैं, तो इसको कन्वर्ट कर लिया जाए, और कहीं भी यदि कोस स्केयर के साथ एक जुड़ा हुआ हो या इधर उधर एक अपोजिट साइन के हों, तो यहाँ जैसे मैं माइनस कॉमन निकाल करके इसको साइन स्केयर भी लिख सकता हूँ, तो ये देखो कोई वैल्यू दे दे, जीरो दे दे या कोई और दे देगा, तो साइन स्केयर एक्स, ठीक है ना, इसको जैसे मैंने लिख दिया माइनस कॉमन निकाल करके साइन स्केयर वाई, और ये क्या है, ये तो यही है, तो साइन स्केयर एक्स और ये प्लस हो गया साइन स्केयर वाई बार माइनस की वजह से, तो चारों टर्म आपस में अपोजिट साइन से कट गए हैं बराबर जीरो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे, या फिर एक क्वेश्चन इस तरह से भी मिलता है जैसे साइन नाइन एक्स है मान लिया, ठीक है ना, इस नाइन एक्स को मैंने तोड़ दिया, जैसे साइन पाँच एक्स प्लस चार एक्स, दो प्रकार की स्थिति होंगी, थोड़ी ध्यान से सुनिए भाई, पाँच एक्स प्लस चार एक्स लिखा और अब वो टेन के लिए, टेन के लिए भाई साइन नहीं टेन के लिए, जैसे टेन नाइन एक्स एक्स है उसको मैंने पाँच प्लस चार या छः आठ एक किसी में तोड़ दो, मतलब प्रूव करने वाली चीज़ मिलती है, वो कौन किस प्रकार से मिलेगी, चलो अब इसको खोलते हैं, तो टेन फाइव एक्स प्लस टेन फोर एक्स और अपॉन वन माइनस टेन फाइव एक्स इंटू टेन फोर एक्स, ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो वास्तव में नाइन एक्स ही है, तो टेन नाइन एक्स एक के साथ मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों के साथ टेन नाइन की और इसकी आर पार गुणा करी हमने टेन फोर एक्स इंटू टेन फाइव एक्स इंटू टेन नाइन एक्स और इज इक्वल टू टेन फाइव एक्स प्लस टेन फोर एक्स, ये आया। तो यों का यूँ ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध करना आ सकता है कि भाई जैसे ये एक साइड में डाल दे और ये एक साइड में डाल करके कह दे कि भाई प्रूव करिए आपस में, ये यानी हमेशा सत्य है ये। अच्छा एक बात क्या होती है इनमें, जैसे मान लिया ये तो नो है, नो एक्स है, ये दोनों मान लिया बाई चांस कट जाएं, कटने का मतलब ये है कि इन दोनों के एंगल का जोड़ यदि 90 हो जाए, कंप्लीमेंट हो जाएंगे, जैसे यहाँ 10 मान लिया 40 है और यहाँ 10 50 है, तो 10 40 और 10 50 आपस में कट करके एक आंसर देंगे, तो उस वक्त हमारे पास कुछ से मतलब कम हो जाएंगी ये थोड़ी सी वैल्यू, शायद यहाँ देखो आर पार जब हमने मल्टीप्लाई की है तो ये तो राइट हैंड साइड में बच गए दोनों, ठीक है भाई, और यहाँ टेन नाइन, एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसमें तो सही है भाई, टेन नाइन की मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया और ये टेन नाइन एक्स वन के साथ और ये, ठीक है। अब जैसे मैंने एक ऐसा एक नंबर लिया और उसको तोड़ा, जैसे टेन सत्तर डिग्री है, कोई भी ले लो इस प्रकार से, टेन सत्तर डिग्री है और इसको मैं तोड़ता हूँ 50 और 20 में,
ठीक है ना, और यही रूल लगाया तो 10 50 और प्लस 20 में तोड़े, ठीक है, ये बड़े वाला और ये दोनों कंप्लीमेंट बनते हैं भाई, बड़े वाला और छोटे वाला कंप्लीमेंट हो जाते हैं। देखो यहां जो तोड़ ये 70 था, ये दोनों का जोड़ 90 हो गया। देखो सूत्र द्वारा हम खोल लें और फिर बाद में क्लियर होगी, क्योंकि 10 ए प्लस बी को हमेशा क्या लिख सकते हैं हम, 10 जैसे यहां 50 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए और 10 बी, जैसे इसमें किया था वही बात थी। अब हमने आर पार गुणा कर लिया, तो यहां तो 10 70 ही है, वो तो एक बार सूत्र लगाने के लिए किया था हमने, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस 10 70 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 10 50 और 10 20 और बराबर है 10 50 और प्लस 10 20। इसमें क्या हो गया कि भाई 10 70 और 10 20 कट गए, क्योंकि 10 20 को हम लिख सकते हैं कोट 70, और कोट 70 का मतलब होता है 1/10 70, ये दोनों कट लिए। तो यूं का यूं हमारे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कहीं कि भी प्रूव दैट, बस इतना ही देगा वो कि भी प्रूव दैट जो 10 70 है, जैसे ये 70 है और इसको राइट हैंड साइड में ले गए, ये 20 डिग्री है भाई, तो यहाँ आया हमारा माइनस में 10 50 डिग्री और राइट हैंड साइड में भी है, तो वो एक से होकर के दुगने हो गए, तो 2 times of 10 50 डिग्री और प्लस में 10 20। इतना ही सवाल दे दिया जाए कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसके बराबर आएगी। तो जब भी 20 और 50 दिखाई दें और इधर 70 दिखाई दे, वैसे अधिक विशेष बात नहीं है, इसको तोड़ के चल सकते हैं हम कि भी 50 और 20 70 की जगह लिखो और फिर एडिशन फार्मूला लगा लो, अपने आप दोनों साइड बराबर आ जाएंगी, जैसे यहाँ आई, ठीक है ना भाई। और देख लो इसी प्रकार का, जैसे मैंने 65 डिग्री का कोण ले लिया, जैसे इसी से मैनेज करूं कि भी 10 50 डिग्री जैसे एक साइड में सवाल बना रहे हैं भाई, 10 65 डिग्री जैसे ये है, तो ये 50 और 20 तोड़े गए हैं, तो छोटे वाला एंगल इसका कंप्लीमेंट बना लूं, तो छोटे का मतलब ये है कि भी 65 को मैं कंप्लीमेंट के लिए, कंप्लीमेंट का मतलब 90 डिग्री तैयार करना है, तो 90 का मतलब मैं एक 25 डिग्री एंगल तो यहां लिख लूं 10 25, और 25 में से घटा लेते हैं कितना बच गया यहां 10 40, उसका दुगना लिख लें 10 40, तो ये भी हमारा सवाल बन गया। कह दे कि सिद्ध करके दिखाओ कि 10 65 डिग्री इसके बराबर आएगा, तो 65 को ये देखते ही हम तोड़ना शुरू कर देंगे, 65 को रिप्लेस कर दिया 40 प्लस 25, और फिर उसको इस रूल के द्वारा या प्रॉपर्टी बोल दो इसके द्वारा खोल करके आर पार मल्टीप्लाई की, तो यहाँ जो तीनों की मल्टीप्लाई आएगी, एक तो 10 65 आ गया, एक 10 40 आ गया और एक 10 25 आ गया, तो 25 और 65 दोनों कंप्लीमेंट एंगल हैं, आप जोड़ 90 है तो वो कट जाएंगे आपस में, और जो बचेगा वो 40 बचेगा, तो 40 का इधर भी 40 हमारा उसका दूना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से काफ़ी हमारे आइडेंटिटी सी दिखा देते हैं, जैसे कई बार माइनस में भी दिख जाता है कि भी 9, जैसे यहाँ मैं माइनस में ब्रेक कर लूँ, कुछ अक्रेंस इस प्रकार से दिखाई दे कि भाई, या 6 3 दिखाई दे, जैसे ये बोलेगा कि ये इस प्रकार से है, तो 5 4 9 5 4 9 दिख रहा है, 10 10 है सारी जगह, तो 10 ऑफ वो एंगल जो जोड़ के 9 बन रहा है, वो एंगल जोड़ के रूप में लिख लिया, एडिशन के रूप में, जैसे 9x को हम जोड़ के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो सीधा सा सवाल इस तरह से दिख जाए कि 66 डिग्री है और 10 एक ले लिया जैसे 69 और डिवाइडेड बाय 1 - 10 60 डिग्री और इनटू में 10 69 डिग्री, कह देखिए इसकी वैल्यू बताइए, तो इसको भी वो तो सीधा सूत्र ही है भाई, तो जितने सूत्र याद होंगे तो उतना अच्छा, क्योंकि 10 a + 10 b, तो ये तो 10 a + b है, तो 10 a + b देख लो लिख के,
66 डिग्री, 69 डिग्री, तो ये तो 135 डिग्री हो गया। पर्टिकुलर एंगल है टेन के लिए, तो टेन 135 को हम जानते हैं माइनस वन के बराबर है, कितना एंगल 135। या तोड़ लो छोटा एंगल की वैल्यू, 45 घटा दें 180 में से, तो 135 है। तो टेन 180 माइनस थीटा बोला था, माइनस टेन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो टेन 45 एक के बराबर, तो कह देंगे भाई माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज जो कंपाउंड रूल थे उन पर आधारित थी। हम आगे सूत्र जो हमारे एडिशन वाले थे ये याद हों, इसी पर आधारित हम अगले वीडियो में सूत्र बनाएंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे।